जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीट रूट क्रीम, यानी कि चुकंदर की क्रीम बनाना। आप जानते हैं कि चुकंदर जो होता है उसमें पाया जाता है विटामिन ए, बी, सी एंड के, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, नेचुरल चीज़ों के साथ अपनी स्किन केयर करते हैं ना तो नेचुरल ग्लो आता है और आपको ज़्यादा मेकअप की नीड ही नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्रीम को कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। आपकी स्किन जैसे भी है, ऑयली, ड्राई, ये आप सभी के लिए है, आप सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। और विद इन 7 डेज में आप देखेंगे कि आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होगी, दाग धब्बे सब खत्म होंगे इससे और चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा। हमने लेना है एक चुकंदर, या हमने इसको क्या करना है, इसको छीलकर इसको ग्रेट कर लेंगे या फिर आप इसका ग्राइंडर में एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेनर की हेल्प से, मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट भी बनाया हुआ है और इसको ग्रेट भी करके रखा था, आप जैसे कंफर्टेबल हो। तो अब मैंने इस पेस्ट का जो भी है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो हमारे मेन इन्ग्रीडियंट हम मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी स्किन में ग्लो आएगा, आपके डार्क स्पॉट जो हैं, किसी भी तरह के एक्ने, पिंपल के मार्क खत्म होंगे, आपकी स्किन में डलनेस है, ग्लो नहीं है, वो भी वापस आएगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे स्किन है आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल आप जानते हैं फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और दाग धब्बे कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके रिंकल, फाइन लाइन, जिनको हम झुर्रियाँ कहते हैं, उनको भी ख़त्म करता है। विटामिन ई का कैप्सूल आप जानते हैं, विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसी तरह से आमंड ऑयल के बादाम का शुद्ध तेल, ये भी ध्यान रखिएगा, यही वाला ऑयल लेना है। कि आप दूसरा वाला ऑयल लेकर आए फिर आप बोलेंगे नहीं हमें तो रिजल्ट नहीं मिले। हमने 2 स्पून लिया है तो 2 स्पून में आप 7 to 8 ड्रॉप इसकी काफ़ी होंगे। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है 1 बड़े स्पून, छोटी स्पून है तो 2 स्पून लेंगे, स्पून बड़ी है तो अब 1 स्पून इसमें चुकंदर का रस हमने मिक्स किया है। देन अच्छे से इसको बीट करेंगे, मिक्स करेंगे तो आपका जो क्रीम है बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में रेडी है। और इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें कि हम इसको कितने दिन तक आप इसको रख सकते हैं, और हाँ, रखना आपको इसको फ्रिज में ही है क्योंकि मैक्सिमम आप इसको 8 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाया है। देन 10 दिन के बाद आप फिर बना लें। तो इस तरह से आपको रखना है। लगाने का तरीका क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना है, अपना फेस क्लीन करना है, उसके बाद जस्ट थोड़ी सी अमाउंट लेके आपको उसको अप्लाई करना है। और हाँ, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, यानी कि आँखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके डार्क सर्कल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी इसको आप लगाएंगे तो आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए मेकअप रिमूव करने के बाद। अभी आप सोचेंगे कि मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है, वैसे फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, फेस को पहले फेस वॉश करें उसके बाद इसे अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट ना आपको खुद नज़र आएंगे। और कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पसंद आया मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप लाइक करेंगे तब पता चलेगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है मेरे लिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मिलती हूँ मेरी ऐसे ही किसी इफेक्टिव इसी रेमेडी के साथ। आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।